सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक को आता है बहुत तेज गुस्सा जब मनीष नायरा के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है बहुत सारा ड्रामा। शो में कार्तिक और नायरा एक हो गए हैं और अब दोनों ने कसम खा ली है कि दोनों कभी अलग नहीं होंगे। कार्तिक की बहन दादी को आके बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ने कार्तिक और नायरा को शादी के कपड़े खरीदते हुए देखा। ये सुनकर कार्तिक की दादी को शॉक लग जाता है और वो बोलती है कि उन्हें कार्तिक और नायरा की शादी करा देनी चाहिए, नहीं तो वो लोग हमेशा के लिए कार्तिक को खो देंगे। दादी बोलती है कि कार्तिक नायरा से बहुत प्यार करता है और अगर वो लोग कार्तिक को नायरा से अलग करने के सोचेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाएगा। इसीलिए कार्तिक की दादी सुवर्णा और मनीष को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें कार्तिक और नायरा की शादी फिक्स कर देनी चाहिए, लेकिन मनीष इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने को है तैयार। मनीष बोलता है कि नायरा कभी भी इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं थी और न ही है। कार्तिक जैसे ही ये बात सुनता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। कार्तिक मनीष पर बहुत चिल्लाता है और वो गुस्से में घर छोड़ने को तैयार हो जाता है। मनीष ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। अब देखते हैं कि क्या मनीष कार्तिक को रोकने के लिए नायरा और कार्तिक की शादी करवाएगा या नहीं। ये सारे अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।